जम्मू के सांबा में सुरक्षा बलों ने आज नेशनल हाईवे के नज़दीक मौजूद एक माता के मंदिर के पास ही आसपास के जंगलों में इलाके में एक मॉक ड्रिल किया है। जॉइंट मॉक ड्रिल ये किया गया है। इस मॉक ड्रिल में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सेना और अर्धसैनिक बल मौजूद रहे थे। आपको जानकारी दे दें कि आतंकी मॉड्यूल पकड़े जाने के बावजूद सुरक्षा बलों के पास इस तरह के इनपुट मौजूद हैं कि अमरनाथ यात्रा के मद्देनज़र आतंकी किसी भी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा बल आतंकी खतरे से निपट के लिए जमीन से आसमान तक पैनी नजर रख रहे हैं। मॉक ड्रिल की जानकारी देते हुए सेना के एक अधिकारी ने बताया कि अगर किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में आतंकवादियों द्वारा हमला किया जाता है तो उस स्थिति से जवानों को आतंकवादियों से किस तरह से निपटना है, इसको लेकर ही इस पूरी मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया है। ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो जिसमें बहुत यात्रा आती है, आने जाने वाले बहुत श्रद्धालु हैं और रुकते भी हैं, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेस बन जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का ये दायित्व बनता है, ड्यूटी बनती है कि इस एरिया को सुनिश्चित किया जाए, सिक्योर किया जाए। इसी उपलक्ष्य में जो है सुबह आज हमने एक मॉक ड्रिल की है जिसमें जो है हमारे पैरा ट्रूप्स जो है बडीज़ हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, SOG की टीम ने पार्टिसिपेट किया और जो हमारी BOPs हैं उनके जवानों ने पार्टिसिपेट किया। और इस बिल्डिंग को जो है इनकेस अगर कोई इवेंचुअलिटी हो जाती है, मिलिटेंट अटैक हो जाता है, तो उसको किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे, कौन कहाँ रहेगा और किस तरह से रिस्पॉन्ड करके हम ज़ीरो जो है वो कैजुअलिटी करके ANEs को इलिमिनेट कर सकते हैं, वो किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुल तरीके से जो है हमने किया है। ये जो कमियाँ हैं उस पर भी काम किया जाएगा। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ जम्मू से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रविंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। जम्मू के सांबा में आज सुरक्षा बलों के द्वारा एक जॉइंट मॉक ड्रिल किया गया है। देखिए पल्लवी, बिल्कुल आज जम्मू के सांबा पर एक मंदिर पड़ता है, हाईवे रोड है, जम्मू पठानकोट हाईवे है, वहां पर चिची माता का मंदिर जो है वो पड़ता है, एक पीठ है, लेकिन हाईवे के साथ साथ बसंतर नदी जो है वो बहती है और ये सीधा बसंतर नदी जो है पाकिस्तान जाती है और इस नदी के जरिए कई बार आतंकी जो है घुसपैठ करके कश्मीर की ओर रवाना हुए हैं और कई बार उन्होंने अटैक भी जो है वो किया है। और कहा जाए तो आज मॉक ड्रिल जो है वो की गई है क्योंकि कल ही जम्मू कश्मीर पुलिस के ADG जो है मुकेश सिंह, उन्होंने पत्रकार वार्ता कर कहा था कि 3 टेरर मॉड्यूल जो है उनको ध्वस्त किया है और उनमें से 7 आतंकी जो हैं उनको पकड़ा है क्योंकि अमरनाथ यात्रा चल रही है और ऐसे में आतंकी पकड़े जाना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की फिराक में थे। लेकिन अगर देखा जाए जिस प्रकार से टेरर मॉड्यूल जो है वो ध्वस्त किया है, उसके बाद कहा जाए तो उनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी वो भी बरामद किए हैं। और आज मॉक ड्रिल इसी वजह से की गई कि अगर आतंकी हमला करते हैं तो उनको किस प्रकार से कम कैजुअल्टी के साथ उनको धराशायी जो है वो किया जा सके, अपना कोलैटरल जो है वो बिल्कुल ना हो, उसको लेकर आज मॉक ड्रिल जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सेना ने मिलकर की है। और मैं बता दूं इसकी खास वजह यही है क्योंकि ये मंदिर जो है हाईवे से सटा हुआ है और बसंतर नदी के साथ में साथ बीच में है और इसी वजह से इस जगह पर मॉक ड्रिल की गई है। और जिस प्रकार से कल टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ है और आज भी जो जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उसने बत्रा के इलाके से एक लेडीज और एक जेंट्स को पकड़ा है, उनके पास से भी हथियार जो है बरामद हुए, एक पिस्टल जो है उनके पास से बरामद हुई है। तो कहीं ना कहीं लगातार जम्मू को अब आतंकी जो है वो निशाना बनाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। और जो हमें जानकारी मिल पाई है, जो महिला पकड़ी गई है वो श्रीनगर के हबाकदल की रहने वाली है, हालांकि अभी जांच जो है पुलिस कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है और उसी के बाद अगर कहा जाए तो खुलासा होगा कि ये दोनों भी जो पकड़े गए हैं ये क्या इनके पास से हथियार कहाँ से आया और क्या किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन अगर कल ADGP की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से हथियार पकड़े गए, 3 पिस्तल पकड़ी गई, उनको साइलेंसर लगा हुआ था और 15 मैगजीन जो थी फिर हैंड ग्रेनेड थे, AK-47 थी,
तो ये दर्शाता है कि बड़ी संख्या में हथियार जो है वो लाए गए हैं। और कहा जाए तो दौरी का इलाका है नौशहरा और लंबेड़ी, यहाँ से ड्रोन के जरिए हथियार जो है वो तालिब हुसैन जो लश्कर तैयबा का आतंकी था उससे उससे जब लोगों ने रियासी में उसको पकड़ा था उसके बाद उससे पूछताछ पता कराया और उसने ये भी बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वहां से भी वो कई बार हथियार लाकर जो है वो कश्मीर पहुंचा चुके हैं और वहां से कश्मीर से कई आतंकी जो है वो जम्मू ला चुका है और जम्मू से कई आतंकी जो है जिन्होंने आईडी को क्रॉस किया उसके बाद वो कश्मीर लेके गया। तो कहा जाए कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा जो है उसको टारगेट करने की कोशिशें जो है वो आतंकी द्वारा की जा रही है। पल्लवी चलिए शुक्रिया रविंद्र आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।